नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम आपसे बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। बीएससी नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए 10+2 साइंस होना चाहिए, 12th में 55% मार्क होने चाहिए। बात करते हैं हम सब्जेक्ट की, तो क्या सब्जेक्ट होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब्जेक्ट होने चाहिए। ये कोर्स मेल एंड फीमेल दोनों ही स्टूडेंट कर सकते हैं। ये 4 इयर्स का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होता है और कुछ इंस्टीट्यूट इस तरह से भी मेरिट के आधार पर भी ये कोर्स करवाते हैं और कुछ गवर्नमेंट के जो कॉलेज होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर ही एडमिशन देते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के लिए फीस कितनी चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए 25,000 से लेके 1,00,000 रुपए पर ईयर्स का खर्चा होता है। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद नर्सिंग का कार्य क्या होता है। नर्सिंग का कार्य होता है पेशेंट की देखभाल करना, ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर को ऑपरेशन के टाइम असिस्ट कराना, पेशेंट को मेडिसिन देना, ऑपरेशन से पहले मरीज के प्रॉपर वाइटल चेक करना, कंसेंट चेक करना, किस पार्ट की सर्जरी होनी है वो चेक करना, ये सारे काम नर्सिंग के होते हैं। अब बात करते हैं इस कोर्स को करने के बाद क्या सैलरी होती है। ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद 6 मंथ की ट्रेनिंग लेनी होती है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट 6 मंथ एक्सपीरियंस का दिया जाता है। उसके बाद आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो जॉब स्टार्ट करने के आप किसी भी नर्सिंग होम में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अब हम बात करते हैं सैलरी की, इनकी सैलरी क्या होती है बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग एक हाई प्रोफेशनल कोर्स होता है और इनकी सैलरी स्टार्टिंग में 20,000 से 25,000 रुपए किसी भी हॉस्पिटल में आराम से मिल जाती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और जैसे आपके पास 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 40,000 से 45,000 किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में आराम से ले सकते हैं। और यदि आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन हो जाता है तो आप 60,000 से लेके 80,000 1,00,000 रुपए तक सैलरी ले सकते हैं। और यदि आप किसी प्राइवेट में करना चाहते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले भी अच्छी सैलरी देते हैं, कॉर्पोरेट वाले सारी सुविधाएं देते हैं, ELCS सारी छुट्टियां देते हैं। और आप यदि इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत डिमांड है नर्सिंग की, बीएससी नर्सिंग की, तो आप इंडिया से बाहर भी जा सकते हो और बहुत अच्छी सैलरी ले सकते हो। इंडिया से बाहर जाने के लिए
आपको सैलरी कम से कम 1 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए पर मंथ मिल जाती है। और बात करते हैं इनकी ड्यूटी क्या है, ड्यूटी आवर्स क्या होते हैं। बीएससी नर्सिंग के ड्यूटी आवर्स 6 आवर्स के होते हैं, 6 आवर्स की ड्यूटी होती है। तो नाइट भी 12 आवर्स की होती है और मॉर्निंग इवन 6 आवर्स शिफ्ट के हिसाब से इनकी ड्यूटी होती है। तो बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं अगर आप एक हॉस्पिटल में 6 आवर्स करते हैं, फिर दूसरे हॉस्पिटल में 6 आवर्स करते हैं, तो कम से कम आपको अगर 30,000 रुपये एक शिफ्ट के मिलते हैं तो आराम से आप 60,000 रुपये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, किसी भी नर्सिंग होम में आराम से कमा सकते हैं। बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा कोर्स है। हम जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देखें तो मैं उनसे रिक्वेस्ट है अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करें, और इसका बहुत अच्छा स्कोप है, हर जगह आपको जॉब आराम से मिल जाएगी और आप इंडिया से बाहर भी जा कर के बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आप बीएससी नर्सिंग कोर्स अवश्य करें, बहुत अच्छा स्कोप है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और एक बात हम बता देते हैं कि हमने ओटी टेक्नीशियन के बारे में भी एक वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बाय बाय।